हेलो फ्रेंड्स, अब अपने क्या क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। दिया हुआ क्या है, दर्शाया है कि एक विषम धनात्मक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में हो सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। ये कहना चाहता है कि विषम धनात्मक संख्या जिसका वर्ग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 8q+1 रूप प्राप्त होगा, जहां q क्या है, 1, 2, 3, 4, मतलब जहां q क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, मतलब माइनस में नहीं होगा, प्लस में संख्याएं चलेगी, ये रूप होता है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, विषम धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, जैसे मान लो 3 हो गया, 5 हो गया, मैं 3, 5, 7 ये ले रहा हूं। अब इनका मैं क्या कर रहा हूं, वर्ग, ओके वर्ग कर दिया, कितना है 9, जो किसका रूप है, ये मतलब ये जो भी है, क्यों क्या ये भागफल है और ये क्या भाज्य, भाज्य मतलब अब भाजक, भाजक का मैं इसमें 9 में भाग दूंगा, 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, शेषफल कितना आएगा 1/8। अब जैसे 5 है, 5 का मैं वर्ग करता हूं तो कितना आएगा 25 में 8 का भाग दूंगा, 8 3 24, 1/8। 7 देता हूं तो कितना आता है, 7 7 49 में 8 का भाग देता हूं तो 8 6 48, 1/8। कहने का मतलब है हर एक समय एक क्या आ रहा है, शेषफल, 8 का भाग देने पर ये भागफल है, भागफल की वैल्यू क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, कहने मतलब क्यू का मान 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये बदल रहा है। तो कुछ हद तक जो भी दिया हुआ है सही है। अब अपने को क्या सिद्ध करना है, वैसे अपने विषम धनात्मक संख्या को अपने क्या लिखते हैं, कोई भी विषम धनात्मक संख्या है, माना विषम धनात्मक संख्या a बराबर क्या रूप होता है, 2n+1, मतलब ये यही रूप होता है, कोई भी विषम धनात्मक संख्या है, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, चाहे 11 हो, तो यही रूप होता है। तो इसका अब मैं क्या करूंगा, वर्ग कर दूंगा, क्या कर दूंगा, वर्ग। अब ये देखो, अब ये हो गया वर्ग। अब इसको अपने a+b, ये वाला सूत्र है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² वाले सूत्र से खोलेंगे। तो a का मान कितना है, 2n, 2n का क्या करेंगे, स्क्वायर, और 2, a का मान कितना है 2n, b का मान कितना है 1, और b का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो कितना आएगा, 4n² 2 × 4 = 4n, और 1 का 1। अब दोस्तों देखो, अपने को क्या चाहिए, 8q+1, पर यहां क्या है, 1 तो आ गया, पर ये क्या है, इनमें अगर कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, अपने क्या कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन दोनों में, n दोनों में नहीं है, n दोनों है पर n² दोनों में नहीं है, तो कम से कम n तो कॉमन आएगा, इसका इसमें भाग दो तो क्या बचेगा, n इसमें इसका भाग देंगे 1+1, तो a² का मान क्या आ गया, ये आपको ऐसे नहीं लग रहा, n में कुछ वृद्धि हो रही है a की, मतलब अगर कोई संख्या है दो, जैसे मैं 3 और 4 कोई संख्या है, मतलब 3 में वृद्धि करके इनकी गुणा कर देता हूं तो कितना आ रहा है 12, 5 × 6 करता हूं तो कितना आ रहा है 30, 4 × 5 करता हूं तो कितना आ रहा है 20, मतलब हर एक समय क्या आ रही है, सम संख्या आ रही है, मतलब कोई दो लगातार संख्याओं की गुणा करने पर, मतलब n+1 सदैव क्या होगी, एक सम संख्या होगी, क्या होगी, सम संख्या होगी। और सम संख्या को अपने कैसे लिखते हैं, क्योंकि सम संख्या क्या होती है, 2q, क्या होता है, 2q रूप, जहां क्यू क्या है, 1, 2, 3, इस तरह धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो अपने इस तरह अपने लिख सकते हैं, ये जो समीकरण, ये 1 दे दो इसको नाम, इसको दे दो, 2 दे दो, 2 में रखने पर,
सम संख्या क्या है? लगातार क्या है? दो संख्या संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। एन एन प्लस वन किसके बराबर होगा? समीकरण नंबर दो दे दो। अब इसको यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा? चार इंटू दो क्यू प्लस वन बराबर चार दूनी आठ क्यू प्लस वन, सीध हो गया। लाइफ में लिख देंगे इति सीधम। ओके, थैंक यू।